चला गया वहां पर, देखा अकेले वो बाबा जी बैठे हुए हैं अपने
जैसे जैसे तुम्हारे अंदर भगवत भाव आता जाएगा,
बिना श्रवण से ही होना चाहिए। गुरु जी कहते थे किसी की भी बात सुनो ना दोनों पक्षों की बात सुनो, केवल एक पक्ष की बात मत करना, कान के कच्चे कभी मत बनना, शांत रहना, मौन में रहना, सबकी बात सुन के समझ में आए तो बोलना, नहीं तो हर एक से एक ही महावाक्य बोलना, तो अपना कल्याण करना, अपना कल्याण करो। सबको ये शिक्षा देते चले जाओ, जिसको अपना कल्याण करना वो अपना कल्याण करे, बाकी जिसको नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो ये सत्संग में ये जो हम सब लोगों को यहाँ पर महासंगम होता है ना, ये महासंगम भी किस्मत से होता है। और दादाजी ने, गुरु जी ने हर बच्चे के अंदर में इतना जज्बा पैदा कर दिया, जाओ जाकर सबको सुप्रधान तत्व से जोड़ते चलो, सबको प्रेम के सूत्र में बांधते चलो, तुम अपने आप को साधना रत रखो, कोशिश करो, मेरा प्यार आदि से लेकर अंत तक सबके साथ रखो, मैं अपने अंदर में लव ऑल अलाइक, मेरा प्यार सबके साथ है, क्योंकि परमात्मा का निक नेम क्या है, प्रेम, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो ये सारे पर्व त्योहार हर दिन हम सब लोगों को एक ही शिक्षा देता है, तुम्हारी लाइफ बहुत प्रेशियस है। 84 लव जोन सफाई ऐसी करनी कर चलो जो दुनिया करे तुमको, या ऐसे नहीं मर जाना, जाकर सबकी इतनी सेवा करो जो अगला व्यक्ति तुमको भुला ना पाए। किसी भी फील्ड में बैठे हो जाकर सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो, क्योंकि बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है हम सब लोगों को। भले हम बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ज्ञान से बढ़ तो गए, ये कृपा है गुरु की, जाओ जाकर सबको ज्ञान सुनाकर जागृत करो, सबको उसके जीवन का लक्ष्य बताओ। एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी, सबके जीवन का उद्देश्य क्या है, मन की शांति। मछली को पानी में रखोगे तो जिंदा रहेगी, मछली को दूध में रखोगे, घी में रखोगे, शहर में रखोगे, वो मर जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति का सच्चा जीवन किसमें है, जल किसका रूप होता है, नारायण का। तो सबके घर में विराजित परमात्मा का दर्शन करते चलो, सबको प्यार करते चलो, अपनी हैसियत के अनुसार जाकर सबको सबकी सब तरह से मदद करो। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रहे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। ये गुरु की करुणा है, भक्तवत्सलता है, कृपा है, हम सब इंसानी चोले वालों को भगवान की उपाधि दे देता है। और सच्चाई भी यही है, सब ब्रह्म स्वरूप हो लेकिन भगवान पने को मेंटेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि पूरी तरीके से अपने ज्ञान के ऊपर स्थिति नहीं बनती। इसलिए तो गलत गलत अभ्यास के स्वरूप हो